मध्य प्रदेश में खरगोन के भिकनगांव राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग नगर खाद बीज दवाइयों की दुकान पर बड़ी कार्यवाही। बुधवार दोपहर तक हड़कंप मच गया जब राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग ने सामूहिक रूप से कार्यवाही की। नगर में कृषि आधारित बीज और दवाओं एवं खाद्य जैसे यूरिया, पोटाश, सुपर फॉस्फेट, DAP जैसी दवाएं मिलाने वाली दुकानों पर जिला कलेक्टर गोपाल चंद डाट के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी तिलोक चंद्र गौड़ के निर्देशन में तहसीलदार चरणजीत सिंह हुड्डा, नायब तहसीलदार ममता मिमरोट, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी SL अटोदे के साथ कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ सामूहिक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर की खाद बीज की दुकानों पर दवाइयों को चेक किया एवं एक्सपायरी डेट की दवाइयों की जानकारी ली। अनुविभागीय अधिकारी ने दुकानों सहित लाइसेंसी गोडाउनों को भी चेक किया। नगर में जैसे ही अनुविभागीय अधिकारी के साथ अलग अलग टीमों ने नगर की दुकानों पर दबिश दी, वैसे ही खाद बीज के अन्य दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके भाग निकले। अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि हमारी नकली खाद बीज को लेकर पूरे जिले भर में कार्रवाई जारी है और आज ही कार्रवाई में हमने बंद दुकानों के भी पंचनामे बनाए हैं। यह कार्रवाई आगे भी सतत चलती रहेगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो अमानक बीज और अमानक खाद और अमानक कीटनाशक की जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उनके निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई और आगे भी जो किसानों की जो शिकायतें रहती हैं इस संदर्भ में हम लगातार निरंतर उसकी शिकायतों की जांच करते रहेंगे और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। सर, कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई? एक्चुअली टीम बनाई गई थी, तो जैसे जैसे जो जो अलग अलग दल थे, अलग अलग दलों ने अलग अलग दुकानों पर ये जांच की है। आपके द्वारा कितने लोगों की टीम बनाई गई थी? टीम मतलब लगभग SADO साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार मैडम, बाकी और भी REEO थे, तो उनके द्वारा अलग अलग टीम के द्वारा अलग अलग जांच की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।